हेलो वेलकम माय चैनल। आज मैं एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो बहुत इजी है, बट इजी के साथ साथ वो टेस्टी बहुत है। चाहे बच्चे खाएं चाहे बड़े खाएं, सभी को बहुत पसंद आती है। चाहिए शुरू करते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ चिली पटेटो। चिली पटेटो के लिए मैंने 3 आलू लिए हैं और उनको ये स्लाइस किए हैं। स्लाइस थोड़ा लंबे लंबे ही कट करेंगे हम। देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। अब हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने के लिए इसमें पहले मैं कॉर्नफ्लावर डालूंगी। कॉर्नफ्लावर इसमें अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैंने एक पैन में ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म होने पर मैं ये स्लाइसेस डाल दूंगी इसमें। अब जैसे जैसे ये फ्राई होंगे ये आपका कलर इसका चेंज होता चला जाएगा। इसमें जब तक ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक आप इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही ब्राउन कलर आएगा आप इसे किसी प्लेट में या किसी भी बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। अब मेरे पास कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च तीनों है। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाला है और अब इसे पैन में डाल के फ्राई करूंगी। फ्राई ज़्यादा टाइम नहीं करना है, 30 से 40 सेकंड तक ही करना है आपको। अब इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस, ब्लैक पेपर, पेपरिका और ऑरेगानो, जो दोनों ही ऑप्शनल हैं, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ऊपर से मैंने इसमें 1/4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में 2 से 3 टेबलस्पून पानी का डाला है, उसका मिक्सचर बना के मैंने इसमें डाला है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसमें रेड चिली और सॉल्ट डाला है। बस उसमें 2 मिनट रखेंगे हम और ये बन गया, आपका तैयार हो गया है चिली पटेटो। देखिए जो देखने में बड़ा टेस्टी लगता है उतना ही खाने में भी बड़ा टेस्टी लगता है। प्लीज़ ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।